अस्सलाम वालेकुम। आज हम किचन विद रबिया में खोए की रेसिपी लेके आए हैं। तो मैंने 2 किलो दूध लिया है, इसको हम चूल्हे पर रखेंगे तेज़ आंच पे। तो फिर पकाना शुरू करेंगे, चले आएँ चूल्हे पर रखते हैं। ये देखें, इस तरह फुल आंच पे हमने इसको पकाना है और इस चम्मच के साथ इसको हिलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लगे। ये देखें, इस चम्मच के साथ हम इसको हिलाते जाएंगे और आहिस्ता आग पे हमने इसको नहीं बनाना, नहीं तो हमारा खोया रेडिश की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये देखें, इसी तरह ये पकता जाएगा और मैं हिलाती जाऊंगी। इसको चम्मच को रोकना नहीं है, नहीं तो नीचे से आपका जो दूध लग जाएगा और वो फिर रेडिश में आ जाएगा खोया आपका। बर्तन हमने चेंज कर दिया था ताकि इसको जब उबला आए तो ये बाहर ना गिरे, और ये आसानी से बर्तन खुले में डाल के हम इसलिए कर रहे हैं कि ये आसानी से जल्दी से हमारा खोया बन जाए। ये देखिए, इस तरह हमने इसको हिलाते जाना, और ये देखिए, आप देख रहे होंगे ये खोए की तरफ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें हमारा दूध पक के कितना कम हो गया है, और ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये आहिस्ता आहिस्ता खोए की तरफ जाई जा रहा है। अब इसी तरह हम इसको और थोड़ी देर पकाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें हमारा खोया तैयार हो गया है। खोए को हमने थोड़ा नरम रखना है, सख्त नहीं करना, नहीं तो इसके अंदर से घी निकल आएगा और ये लाली की तरफ हो जाएगा, इसके अंदर सुर्खी मायल इसका कलर हो जाएगा। तो हम निकाल के दिखाते हैं आपको। ये देखें खोया ठंडा हो गया है। इसी तरह आप मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज़।